कर रहे हैं। दरअसल आज दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई है और आपको बता दें कि संसद भवन में कांग्रेस संसदीय दल की यह अहम बैठक हुई और इसमें सोनिया गांधी, खड़गे मौजूद रहे, राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहे और बैठक में कांग्रेस के नव निर्वाचित सांसद मौजूद रहे। हमने कल देखा था कि एनडीए सांसदों की बैठक हुई थी, हमने देखा था कि जो संसद का सेंट्रल हॉल है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के जितने भी घटक दल के नेता हैं वो तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन अब देखिए यहां पर कांग्रेस भी बैठकों का दौर जारी और कांग्रेस के यहां पर संसदीय दल की यह बैठक हुई। आपको बता दें कि संसद भवन में कांग्रेस संसदीय दल की यह बैठक हुई है। बता दें कि बैठक में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे और जितने भी नव निर्वाचित सांसद हैं वो भी मौजूद रहे और कांग्रेस ने तकरीबन जो अपने सांसदों की संख्या है वो डबल की है और उससे कुछ उत्साहित भी नजर आ रही है। और अगर समूचे विपक्ष में इंडिया गठबंधन की बात करें तो 233 का जो आंकड़ा पार किया है उससे भी काफी ज्यादा उत्साहित विपक्ष नजर आ रहा है और एक मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा। लेकिन अब आगे की रणनीति कैसे होगी, किस तरीके से सरकार को घेरना, इन सब पर भी मंथन होता दिखाई दे रहा है। और देखिए इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक हुई है और इस बैठक में भी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के प्रस्ताव की बातें की गई और हमारे सहयोगी मोहित राजदूबे ने भी इस पूरे मामले को कवर किया था। और आपको बता दें कि इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर यह भी है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के प्रस्ताव की बात इसमें की गई और सभी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात कर रहे थे। सभी कांग्रेस नेताओं ने इस प्रस्ताव को पारित किया और राहुल गांधी ने इसके बाद प्रस्ताव पर सोचने का वक्त मांगा है। बता दें कि बैठक में मध्य प्रदेश में करारी हार पर भी चर्चा हुई है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक हुई है जिसमें राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। वहीं मध्य प्रदेश में हुई करारी हार पर भी चर्चा हुई। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे ने मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह से खास बातचीत भी की। मेरे साथ मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह साहब